सर, लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई थी? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। बेटा सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। चले शुरू करते हैं आज की क्लास। सर, लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई थी? नहीं बेटा, वो अभी अपलोड नहीं हुई, वो सैटरडे को अपलोड हो जाएगी, मीनिंग कल। ओके सर। मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपकी जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग है वो वीकली बेसिस पे अपलोड होंगी सैटरडे को। हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? ग्रुप डी चैप्टर। क्या पढ़ा था? ग्रुप डी चैप्टर। ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस। उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया रखते हैं? समझ नहीं आई सर, क्या कह रहे? उसमें कौन से बैक्टीरिया आते हैं ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस में? स्ट्रेप्टोकोकस में कोई और भी बोल सकता है? एंटेरोकोकस और नॉनएंटेरोकोकस। ठीक है, एंटेरोकोकस हो गया, नॉन एंटेरोकोकस हो गया। ठीक है, और एंटीरियर कोकस में कौन से बैक्टीरिया आते हैं और क्या कॉज करते हैं? किसी ने नहीं पढ़ा लास्ट लेक्चर? सर, एंटीरियर कोकस फेसेलिसिस और फेसियम आते हैं, और आई थिंक वो यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन कॉज करते हैं। अच्छा, उसके अलावा? And what it discuss करते हैं? Cystitis and bilirubin infection को? Yes sir. बेटा सबको मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर। सर अब आ रही है, पहले नहीं आ रही। अच्छा, मैं स्लाइड में सर आ रही सबको? यस सर।
चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव कोकाई। मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन में बताया था कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो होते हैं क्रिस्टल वायलेट, ब्लू या फिर पर्पल, और जो ग्राम नेगेटिव होंगे वो होंगे रेड या पिंक। अभी तक हम सारे ग्राम पॉजिटिव कोकाई कवर कर चुके हैं, आज हम शुरू करेंगे ग्राम नेगेटिव कोकाई। ग्राम नेगेटिव कोकाई में जो दो मेडिकली इंपॉर्टेंट जीनसेस हैं उसमें आती है एक नाइसेरिया और दूसरा है मोरक्सेला। मोरक्सेला हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ नाइसेरिया डिस्कस करेंगे। नाइसेरिया में फर्दर दो बैक्टीरिया जाते हैं, नाइसेरिया गोनोरिया एंड नाइसेरिया मेनिनजाइटिस। आज हम ये दोनों बैक्टीरिया कवर करेंगे। बट बिफोर वी डिस्कस देम इंडिविजुअली, पहले हम डिस्कस करेंगे इनके कॉमन फीचर्स क्या हैं, बिकॉज बोथ ऑफ दिस बैक्टीरिया बिलोंग टू अ सिंगल जीनस, तो इनके कुछ कॉमन फीचर्स होंगे। वो क्या हैं कि दोनों बैक्टीरिया फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब ये होता है कि अगर इनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो दे कैन यूज इट फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन के थ्रू भी एटीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और बोथ ऑफ दिस बैक्टीरिया आर प्रेजेंट ऑन ब्लड एगर इन द फॉर्म ऑफ ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई कौन से बैक्टीरिया से? बेटा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर कट कट क्या आ रही है? तो लेक्चर की समझ आ रही है? यस सर, यस सर। तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई कौन से होते हैं? सर लैंसेट शेप होते हैं। हाँ हाँ, उनका नाम क्या था? नाम स्ट्रेप्टोकोकस। हाँ जी बिल्कुल, उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो जो हमारे पास नाइसेरिया है ये भी डिप्लोकोकाई होते हैं, और ये ग्राम नेगेटिव होंगे, वो ग्राम पॉजिटिव होंगे। जब इन्हें ब्लड अगर भी या फिर दूसरे पे कल्चर करेंगे तो इनकी कॉलोनीज होंगी रेड या फिर, और जो ग्राम पॉजिटिव है वो होंगे क्रिस्टल वाइट, ब्लू या फिर पर्पल। बोथ ऑफ द नाइसेरिया स्पीशीज आर नॉन मोटाइल और ये ऑक्सीडेटिव है, कैटालेज पॉजिटिव है। कैटालेज टेस्ट आपको ऑलरेडी पता है, ऑक्सीडेज टेस्ट आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप इसे एग्रोप्लेट पे भी कर सकते हैं, इसे उसके अलावा किसी पेपर स्ट्रिप पे भी कर सकते हैं। इसमें आप बेसिकली बैक्टीरिया की कॉलोनी के ऊपर ऑक्सीडेज रिएजेंट ऐड करेंगे। ऑक्सीडेज रिएजेंट होता है डाइमिथाइल और टेट्रामिथाइल ऑक्सीडेज। जब आप रिएजेंट ऐड करेंगे और बैक्टीरिया ऑक्सीडेज पॉजिटिव होगा तो बैक्टीरिया उसमें पर्पल कलर करेगा, मतलब कि जब आपने रिएजेंट ऐड किया अगर पर्पल कलर आपके पास आ गया देन दैट बैक्टीरिया इज ऑक्सीडेज पॉजिटिव, अगर पर्पल कलर नहीं आता बैक्टीरिया ऑक्सीडेज नेगेटिव होगा। इस टेस्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? इस टेस्ट की सिग्निफिकेंस ये है, बेसिकली इट अलाउज अस इन, इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया। और कैटालेज टेस्ट आपको ऑलरेडी पता है कि जब आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड बैक्टीरिया की कॉलोनी के ऊपर ऐड तो बैक्टीरिया एंजाइम प्रोड्यूस करेगा कैटालेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रेरित करेगा वाटर और ऑक्सीजन में, और इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं। बेटा क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें, अगर आपका दिल नहीं कर लीव कर सकते हैं। शुरू करें अब। आज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर आ रही है। ये ऑक्सीडेशन की बेटा
बेटा सबको समझ आई है ऑक्सीडेज टेस्ट की? सर रिपीट कर दें। ऑक्सीडेज टेस्ट ये होते हैं जब आप बैक्टीरिया की कॉलोनी के ऊपर ऑक्सीडेज रिएजेंट ऐड करेंगे, तो अगर वो बैक्टीरिया ऑक्सीडेज पॉजिटिव है तो वो पर्पल कलर प्रोड्यूस करेगा, अगर बैक्टीरिया ऑक्सीडेज नेगेटिव है तो वो कलरलेस ही रहेगा। ऑक्सीडेज रिएजेंट क्या होता है? ऑक्सीडेज रिएजेंट हमारे पास होता है डाइमिथाइल और टेट्रामिथाइल ऑक्सीडेज। आगे कंटिन्यू करते हैं, नाइसेरिया स्पीशीज का नेचुरल हैबिटेट क्या है? नाइसेरिया स्पीशीज हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को कॉलोनाइज कर सकती हैं, उसके अलावा जेनिटो यूरिनरी ट्रैक को कॉलोनाइज कर सकती हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को मोस्टली कॉलोनाइज करते हैं नाइसेरिया मेनिनजाइटिस, और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक को मोस्टली कॉलोनाइज करते हैं नाइसेरिया गोनोरिया, और ये दोनों बैक्टीरिया ही प्राइमरी पैथोजेंस हैं। उसके अलावा नाइसेरिया की नॉन पैथोजेनिक स्पीशीज काफ़ी सारी हैं which are the part of the normal flora of upper respiratory tract as well as genitourinary tract. The non-pathogenic species हैं उसमें हमारे पास लेक्टमी आ जाता है, सीका आ जाता है, ये सारी आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इनके pathogenic species के नाम लाजमी पता होने चाहिए, and that is Neisseria gonorrhea and Neisseria meningitis. नाइसेरिया और अभी तक हमने इनके फीचर्स बहुत डिस्कस किए हैं विच आर कॉमन टू बोथ ऑफ दीज पैथोजेंस। अब हम इनके कुछ डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। जो नाइसेरिया मेनिनजाइटिस है उसका पोर्टल ऑफ एंट्री है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक, और उसकी ट्रांसमिशन होती है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। और जो नाइसेरिया गोनोरिया है उसका पोर्टल ऑफ एंट्री है जेनिटल ट्रैक, और उसकी ट्रांसमिशन होती है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जो नाइसेरिया मेनिनजाइटिस है, दिस इज एन इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, इट हैज अ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल, वेयरएज नाइसेरिया गोनोरिया डू नॉट हैव अ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। दोनों बैक्टीरिया ग्लूकोज को फर्मेंट करेंगे, नाइसेरिया गोनोरिया और नाइसेरिया मेनिनजाइटिस, लेकिन जो नाइसेरिया मेनिनजाइटिस है वो मैल्टोज को भी फर्मेंट कर सकते हैं, लेकिन नाइसेरिया गोनोरिया मैल्टोज को फर्मेंट नहीं कर सकते। और नाइसेरिया मेनिनजाइटिस है वो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस नहीं करते, बीटा लैक्टमेज एंजाइम बेसिकली पेंसिलिन को इनएक्टिवेट करता है, और जो बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं दे कैन डेवलप पेंसिलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि पेंसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग होता है और ये बैक्टीरिया उस रिंग को डिस्ट्रॉय करता है, मेकिंग दैट ड्रग कम्प्लीटली इनफेक्टिव। तो जो नाइसेरिया मेनिनजाइटिस है वो बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस नहीं करते, और नाइसेरिया गोनोरिया बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करते हैं। और नाइसेरिया मेनिनजाइटिस के लिए, सिंस इट इज एन इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, वी यूज इट्स कैप्सूल टू मेक अ वैक्सीन अगेंस्ट इट। तो जो नाइसेरिया मेनिनजाइटिस है उसके खिलाफ वैक्सीन अवेलेबल है, और जो नाइसेरिया गोनोरिया उसके खिलाफ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सबको यहाँ तक समझ आई है? क्या बकवास है सर, रिपीट कर दीजिए। खुद को भी हाथ उठाना आता है। बेटा कौन सा पार्ट रिपीट कर दूं? सर ये स्लाइड रिपीट कर दूं। बेटा मैंने कहा कि जो नाइसेरिया मेनिनजाइटिस है उसका पोर्टल ऑफ एंट्री रेस्पिरेटरी ट्रैक है, और उसकी ट्रांसमिशन होती है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। और जो नाइसेरिया गोनोरिया है इट्स पोर्टल ऑफ एंट्री इज जेनिटल ट्रैक, और इसकी ट्रांसमिशन होती है थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। नाइसेरिया मेनिनजाइटिस में पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है, और इस पॉलीसेकेराइड कैप्सूल को यूज करते हुए हम इसकी वैक्सीन डेवलप करते हैं। तो नाइसेरिया मेनिनजाइटिस के खिलाफ वैक्सीन भी अवेलेबल है, और इसका एक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल भी होता है। नाइसेरिया गोनोरिया का ना तो कैप्सूल है और ना ही हमारे पास कोई वैक्सीन अवेलेबल होती है। नाइसेरिया गोनोरिया और नाइसेरिया मेनिनजाइटिस दोनों ग्लूकोज को फर्मेंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नाइसेरिया मेनिनजाइटिस मेल्टोज को फर्मेंट करेगा, नाइसेरिया गोनोरिया मेल्टोज को फर्मेंट नहीं करेगा। और उसके अलावा जो नाइसेरिया मेनिनजाइटिस है वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता, व्हेयरएज नाइसेरिया गोनोरिया कैन प्रोड्यूस बीटा लैक्टमेज एंजाइम टू सम एक्सटेंट। अब यहाँ तक हमने दोनों बैक्टीरिया के कुछ जनरल फीचर्स जो कि इन दोनों के सेम हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस डिस्कस किए हैं। अब हम इन दोनों बैक्टीरियाज को इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि नाइसेरिया गोनोरिया क्या होता है, इसके वायरलेंस फैक्टर्स क्या हैं, ये कौन सी डिजीजेस कॉज करेगा, इसकी ट्रांसमिशन कैसी होगी, आप इसे डायग्नोज कैसे करेंगे और इसे ट्रीट कैसे करेंगे।
तो पहले शुरू करते हैं नाइसेरिया गोनोरिया से और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नाइसेरिया मेनिनजाइटिस। नाइसेरिया गोनोरिया एज वी डिस्कस बिफोर इज अ ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। जब आप इसे ब्लड टाइगर पे कल्चर करेंगे तो इसकी कॉलोनीज होंगे रेड या फिर पिंक बिकॉज इट इज अ ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। विरुलेंस फैक्टर्स की बात करें तो इसमें पिलाए प्रेजेंट होते हैं। पिलाए का फंक्शन बेसिकली ये है कि इसने दोनों बैक्टीरिया को आपस में अटैच करने में हेल्प करनी है और बैक्टीरिया की होस्ट सेल की एपिथेलियम के साथ अटैचमेंट में हेल्प करनी है। पिलाए एनहेंसेस द एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स टू एडहेयर टू होस्ट सेल्स एंड टू ईच अदर। तो पिलाए दो बैक्टीरिया की आपस में अटैचमेंट में हेल्प करेंगे जिसके थ्रू कॉन्जुगेशन होगी और पिलाए बैक्टीरिया की रेस्पिरेटरी गोनोरिया डिस्कस कर रहे हैं तो जेनिटल ट्रैक एपिथेलियम के साथ अटैचमेंट में हेल्प करेंगे पिलाए। लिपोलिगोसैकेराइड हमारे पास इट इज द पार्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जस्ट लाइक लिपोपॉलीसैकेराइड LPS इज द पार्ट ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। तो ये दोनों चीजें हमारे पास होती है बेसिकली एंडोटॉक्सिन ही है और इन दोनों का रोल सेप्टिक शॉक इंड्यूस करने का होता है। लिपोलिगोसैकेराइड प्रेजेंट होगा नाइसेरिया में और जो लिपोपॉलीसैकेराइड है वो प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। उसके अलावा इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं लेकिन सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का फंक्शन इतना प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं है। और उसके अलावा होते हैं इसमें IgA प्रोटीएस हमारे पास जो मिकोजल सर्फेसिस हैं फॉर एग्जाम्पल यूरिनरी ट्रैक एपिथेलियम है उसमें IgA एंटीबॉडी को क्लीव करेंगे और उसे इनइफेक्टिव कर देंगे। स्टेफोरियस भी IgA प्रोटीएस प्रोड्यूस करता है बट इट गोज वन स्टेप फर्दर कि वो IgA प्रोटीएस के FC पोर्शन को क्लीव करता है अपने साथ अटैच करता है और फिर वो स्टेफोरियस की अटैचमेंट में हेल्प करते हैं टू द होस्ट सेल। लेकिन जो हमारे पास नाइसेरिया गोनोरिया है वो जो IgA प्रोटीएस प्रोड्यूस कर रहा है वो सिर्फ IgA एंटीबॉडी को क्लीव करेंगे और इसे इनइफेक्टिव कर देंगे देयरफॉर प्रोटेक्टिंग दैट बैक्टीरिया फ्रॉम IgA एंटीबॉडी। विरुलेंस फैक्टर्स में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नाइसेरिया गोनोरिया में पिलाए प्रेजेंट होते हैं। पिलाए का फंक्शन अटैचमेंट है अटैचमेंट टू होस्ट सेल एंड अटैचमेंट टू अदर बैक्टीरिया। लिपोलिगोसैकेराइड इज अ पार्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल ऑफ नाइसेरिया और इसका फंक्शन होता है सेप्टिक शॉक और इट इज एन एनोटॉक्सिन। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं उनका फंक्शन इतना प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं है और जो IgA प्रोटीएस हैं वो IgA एंटीबॉडी को क्लीव करेंगे और बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करेंगे। नाइसेरिया गोनोरिया की बात करें कि वो कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस कॉज कर सकता है तो बेटा ये हमारे पास कॉज करेगा गोनोरिया। गोनोरिया इज बेसिकली द फर्स्ट प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक एपिथेलियम। ये हमारे पास यूरिथ्रा एंडोसर्विक्स एनल कैनाल फेरिंक्स और पेनेक्टाइवा की भी पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इनक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 7 days। ट्रांसमिशन इसके जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है। ये हमारे पास मेल में भी डिजीज कॉज करेंगे ऑब्वियसली फीमेल भी डिजीज कॉज करेंगे। मेल में गोनोरिया के साइन और सिम्टम्स क्या होंगे बेटा? मेल में गोनोरिया के साइन सिम्टम्स इट प्रेजेंट्स जस्ट लाइक अ UTI मतलब कि पेशेंट को डिस्यूरिया होगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी, सुप्रापुबिक पेन होगी। लेकिन जो इसमें डिफ्रेंशिएटिंग फीचर आता है फ्रॉम UTI इसमें यूरिथ्रल डिस्चार्ज होगा। यूरिथ्रल डिस्चार्ज क्या होगा? यूरिथ्रा से पस का डिस्चार्ज होगा। और मेल में इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? मेल में इसकी कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है एपिडिडिमाइटिस मतलब कि एपिडिडिमस की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर कॉज कर सकते हैं और इसके अलावा प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं। फीमेल में जो हमारे पास गोनोरिया की इन्फेक्शन है ये मोस्टली एसिम्टोमेटिक हो सकती है और अगर पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे तो सिम्टम्स फीमेल में भी बिल्कुल UTI की ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल डिस्यूरिया होगा, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी, सुप्रापुबिक पेन। लेकिन गोनोरिया में जो एडिशनल सिम्टम्स आते हैं वो फीवर होता है, साथ में एब्डोमिनल पेन होगी और साथ में वेजिनल डिस्चार्ज होगा। ये तीन चीज़ें हमारे पास UTI में नहीं आती हैं एंड दीज थ्री थिंग्स हेल्प्स अस टू डिफरेंशिएट गोनोरिया फ्रॉम UTI। अगर आप मेल में गोनोरिया को ट्रीट नहीं करेंगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या थी? एपिडिडिमाइटिस, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर और प्रोस्टाइटिस। और अगर फीमेल में आप गोनोरिया को ट्रीट नहीं करते ये कॉज करेगा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज
पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से फिर फर्दर आगे इनफर्टिलिटी या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है. बेटा सबको समझ आ रही है या सो रहे हैं? यस सर आ रही है, सर आ रही है, लेकिन yes, आप काफी फास्ट पढ़ा रहे हैं तो नोट डाउन करने में मुश्किल है. बेटा नोट डाउन करने की आपको जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें लेक्चर में ऑलरेडी लिखी हुई हैं और फिर रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, तो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान से सुनने. सर जैसे अभी लास्ट लेक्चर था तो उसको अगर सही से नोट डाउन नहीं किया था तो उसके बीच में जब आपने पूछा तो नहीं पता था चीज़ों का, तो वो सैटरडे को उसकी रिकॉर्डिंग मिलनी थी तो इसी वजह से नोट डाउन करते थे. बेटा वो जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे जो चीज़ें पूछी हैं वो लास्ट लेक्चर में हैं, अगर आप लेक्चर खोल के देखें तो उसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी. यस सर वो हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो लेक्चर जो है उसकी रिकॉर्डिंग हाँ बेटा रिकॉर्डिंग में कल सैटरडे को अपलोड कर दूंगा. अच्छा जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि अगर पेशेंट में मलेरिया को आप ट्रीट नहीं करते तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं. फीमेल में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, मेल में हमारे पास एपिडर्माइटिस, यूरिनरी स्ट्रक्चर्स और प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है. बेटा अगर आप गोनोरिया को इस स्टेज ट्रीट नहीं करेंगे ना तो इसके नतीजे में पेशेंट सकती है डिसेमिनेटेड गोनोकोकल डिजीज. डिसेमिनेटेड गोनोकोकल डिजीज के फर्दर दो पार्ट्स हैं, उसमें हमारे पास जो पहले होता है पार्ट उसे कहते हैं डिसेमिनेटेड गोनोकोकल बैक्टीरिया, और अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते तो उसके साथ फिर हमारे पास उसकी वजह से डेवलप हो सकता है सेप्टिक आर्थराइटिस. मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों चीज़ें इकट्ठे डेवलप होती हैं, इसलिए हमने इन दोनों को अलग अलग डिफाइन करने की बजाय इसे हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर देते हैं डिसेमिनेटेड गोनोकोकल डिजीज ने. गोनोकोकल डिजीज इन बोथ मैन एंड वुमेन, अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे इनिशियल गोनोरिया डिजीज को तो उसकी वजह से होगा हमारे पास गोनोकोकल बैक्टीरिया. गोनोकोकल बैक्टीरिया में क्या होगा कि नाइसेरिया गोनोरिया के जो बैक्टीरिया हैं वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएंगे और पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाएंगे, जिसकी वजह से फीवर होगा, जॉइंट पेन होगी, स्किन रैशेज होंगी, और स्किन रैशेज मोस्टली हमारे पास एक्सट्रीमिटीज पे होती हैं. और पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, मेनिनजाइटिस बहुत रेयर होता है गोनोरिया की वजह से हो, तो आपको ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है. बस आप ये ख्याल रखें कि जब पेशेंट को डिसेमिनेटेड गोनोकोकल डिजीज होगी उसमें इनिशियली होगा गोनोकोकल बैक्टीरिया, और गोनोकोकल बैक्टीरिया में पेशेंट को फीवर, जॉइंट पेन और स्किन लीजन्स होंगी. अगर आप यहाँ पे इस स्टेज पे भी ट्रीट नहीं करते तो पेशेंट को फिर डेवलप हो सकता है सेप्टिक आर्थराइटिस में पेशेंट को फीवर होगा, एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर होगा, सीवियर पेन और स्वेलिंग होगी किसी भी एक जॉइंट की, और वो मोस्टली इन्वॉल्व्ड जॉइंट हमारे पास होता है नी जॉइंट. तो नी जॉइंट में एक्यूट पेन होगी और स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी. और अगर आप सेप्टिक आर्थराइटिस को इमीडिएटली एंटीबायोटिक के साथ ट्रीट नहीं करते और जॉइंट फ्लूइड को एस्पिरेट नहीं करते तो उसे जॉइंट की डिस्ट्रक्शन हो सकती है. और गोनोकोकल आर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस इन यंग सेक्सुअली एक्टिव इंडिविजुअल्स. बेटा अगर आपसे ये पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस इन एडल्ट्स, तो आपने कहना है स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस इन एडल्ट पेशेंट. लेकिन अगर वो बात करें व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस इन यंग सेक्सुअली एक्टिव इंडिविजुअल्स, ये वो होते हैं जो 20 से 25 के दरमियान होते हैं और न्यूली सेक्सुअली एक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं, सेफ सेक्स प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनमें सेप्टिक आर्थराइटिस की मोस्ट कॉमन कॉज गोनोकोकल आर्थराइटिस है. बेटा सबको समझ आई यहाँ तक कि सबसे पहले पेशेंट को गोनोरिया होगा, उसमें मेल और फीमेल के सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस आपको मैं बता चुका हूँ. अगर उस स्टेज पे आप गोनोरिया को ट्रीट नहीं करते तो उससे होगी हमारे पास डिसेमिनेटेड गोनोकोकल डिजीज. डिसेमिनेटेड गोनोकोकल डिजीज में फर्दर दो पार्ट्स आते हैं, पहले हमारे पास होगा डिसेमिनेटेड गोनोकोकल बैक्टीरिया, उसमें पेशेंट को फीवर, जॉइंट पेन और स्किन रैशेज होंगी. अगर आप उस स्टेज पे भी गोनोरिया को ट्रीट नहीं करेंगे तो उससे फिर फर्दर डेवलप होगा सेप्टिक आर्थराइटिस, और इन दोनों चीजों को हम कंबाइंडली कहते हैं डिसेमिनेटेड गोनोकोकल डिजीज.
यहाँ पर इस चीज़ को समराइज किया हुआ है, डिसेमिनेटेड गोनोकोकल डिजीज को एक्यूट फॉर्म हैज अ फॉलोइंग सिम्टम्स, पेशेंट को फीवर होंगे, चिल्स, मलेस, बैक्टीरिमिया होगा, साथ में स्किन लीजन्स होंगी। इफ अनट्रीटेड विल प्रोग्रेस टू सेप्टिक जॉइंट फॉर्म ऑफ द डिजीज, इन्फ्लेम जॉइंट्स होंगे, स्वॉलन, हॉट, फुल ऑफ पस एंड फ्लूइड, एंड गोनोकोकल आर्थराइटिस अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डिसेमिनेटेड गोनोकोकल बैक्टीरिमिया। उसके अलावा गोनोरिया बच्चों में क्या कॉज कर सकता है? जब इन्फेंट्स हमारे पास पैदा होते हैं और किसी ऐसे फीमेल पेशेंट का इन्फेंट पैदा होता है जिसे गोनोरिया है, तो जब वो इन्फेंट बर्थ कैनाल में से पास करेगा तो उस पेशेंट को गोनोरिया की इन्फेक्शन हो सकती है। बच्चों में गोनोरिया मोस्ट कॉमनली इन्फेक्ट करता है आइस को, और आइस में कॉज करेगा ऑप्थैल्मिया नियोनाटोरम। इसकी वजह से हमारे पास ब्लाइंडनेस हो सकती है अगर आप इसे ट्रीट नहीं करेंगे। और आप इसे ट्रीट कैसे करते हैं? आप इसे ट्रीट करते हैं थ्रू सिल्वर नाइट्रेट क्रीम। बेटा यहाँ पे लिख लें सिल्वर नाइट्रेट आई ड्रॉप, यहाँ पे सिर्फ आई ड्रॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ये नोट डाउन कर लें कि सिल्वर नाइट्रेट आई ड्रॉप देते हैं टू ट्रीट गोनोरिया इन्फेक्शन ऑफ आईज इन चिल्ड्रन। बेटा यहाँ तक सबको समझ आ गई है कि गोनोरिया कौन सी क्लिनिकल कंडीशन कॉज कर सकते हैं? Yes, sir. चलिए अब हम चलते हैं कि आप इसे डायग्नोज कैसे करेंगे, नाइसेरिया गोनोरिया की इन्फेक्शन को आप डायग्नोज कैसे करेंगे। एक तो आप ऑब्वियसली पेशेंट के क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स देखेंगे, क्लिनिकल पिक्चर देखेंगे। उसके अलावा आपने फिर पेशेंट का स्पेसिमन लेना है। आप स्पेसिमन कहाँ से लेंगे? सिंस गोनोरिया कॉजेज इन्फेक्शन इन जेनिटल ट्रैक, तो आप ऑब्वियसली जेनिटल साइड से ही उसका स्पेसिमन लेंगे। फीमेल में आप स्पेसिमन लेते हैं फ्रॉम एंडोसर्विक्स, मेल में आप लेते हैं यूरेथ्रा से, इन्फेंट्स में आप स्पेसिमन लेते हैं आई से। और अगर पेशेंट में आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को डिसेमिनेटेड गोनोकोकल डिजीज है, तो फिर आप ब्लड या फिर जॉइंट फ्लूइड से भी स्पेसिमन ले सकते हैं। और आपने स्पेसिमन कैसे कलेक्ट करना है? स्पेसिमन कलेक्ट करने के लिए आप यूज करते हैं स्वाब्स, और स्वाब्स को आप ट्रांसपोर्ट करते हैं एमिस मीडियम में। नाइसेरिया गोनोरिया में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है कि वो ये कि बैक्टीरिया को स्वाब करने के बाद आपने विद इन 6 आवर्स उसे एक मीडिया पे कल्चर करना शुरू कर देना है, उसे एक मीडिया पे इनोकुलेट करना है। क्योंकि अगर आप विद इन 6 आवर्स बैक्टीरिया को किसी मीडियम पे इनोकुलेट नहीं करते, तो बैक्टीरिया स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ऑटोलिटिक एंजाइम्स विच रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो आपने बैक्टीरिया को स्पेसिमेन लेने के विद इन 6 आवर्स इनोकुलेट करना है ऑन द मीडियम। जब आप इसे अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, कि ये नजर आएंगे एज ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। ग्राम नेगेटिव का मतलब ये हमारे पास रेड या फिर पिंक होंगे और डिप्लोकोकाई होंगे। चॉकलेट टाइगर पे बेटा नाइसेरिया गोनोरिया के अलावा बाकी सारे बैक्टीरियाज भी ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको चॉकलेट टाइगर पे ग्रोथ नजर आ रही है, तो आप कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते कि ये नाइसेरिया गोनोरिया ही है। नाइसेरिया गोनोरिया और नाइसेरिया मेनिनजाइटिस के लिए हम यूज करते हैं एक सिलेक्टिव मीडियम जिसमें हम डिफरेंट एंटीबायोटिक्स ऐड करते हैं, जिसमें आती है वैंकोमाइसिन, ट्राइमेथोप्रिम, कोलिस्टिन और नाइस्टैटिन। इन चार, ये जो 4 एंटीबायोटिक्स हैं, ये बाकी बैक्टीरिया और फंगाई की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, और थियरमार्टिन एगर पे सिर्फ नाइसेरिया गोनोरिया की ग्रोथ को अलाउ करते हैं। नाइसेरिया गोनोरिया और नाइसेरिया मेनिनजाइटिस। थियरमार्टिन सिलेक्टिव मीडियम बेसिकली चॉकलेट एगर ही है, लेकिन इसमें हम 4 एंटीबायोटिक्स ऐड कर देते हैं, वैंकोमाइसिन, कोलिस्टिन, ट्राइमेथोप्रिम एंड नाइस्टैटिन। ये 4 एंटीबायोटिक्स दूसरे बैक्टीरिया और फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, और सिर्फ नाइसेरिया गोनोरिया और नाइसेरिया मेनिनजाइटिस की ग्रोथ को अलाउ करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपको चॉकलेट एगर दिखाया गया है, और चॉकलेट एगर पे आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं, इसमें सिर्फ नाइसेरिया गोनोरिया के या फिर नाइसेरिया मेनिनजाइटिस ग्रो नहीं कर रहे। तो फिर हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं थियरमार्टिन एगर। थियरमार्टिन एगर क्या होता है कि आप इसी एगर में 4 एंटीबायोटिक्स ऐड करेंगे, वैंकोमाइसिन, ट्राइमेथोप्रिम, कोलिस्टिन, नाइस्टैटिन। ये 4 एंटीबायोटिक्स नाइसेरिया गोनोरिया और नाइसेरिया मेनिनजाइटिस के अलावा बाकी सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। और आपने नाइसेरिया गोनोरिया और नाइसेरिया मेनिनजाइटिस को इनक्यूबेशन कैसे करनी है? इनकी इंक्यूबेशन के लिए भी आपको स्पेशल मीडियम रिक्वायर होते हैं। जब आपने इसे, आपने ना जो इसका मीडिया है
उसे कल्चर करना है एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ 3-5% CO2, क्योंकि ये ऑब्लिगेट एनारोब सॉरी फैकल्टेटिव एनारोब है, तो इनको ग्रोथ के लिए हमारे पास एनारोबिक एनवायरनमेंट रिक्वायर होता है, क्योंकि दूसरे बैक्टीरिया से कंटेमिनेशन के चांसेस हाई होते हैं इनके कल्चर के, तो इसलिए आपने इस बैक्टीरिया को कैंडल जार में कल्चर मीडिया के ऊपर इनोकुलेट करना है एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ 3-5% कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा आप मॉडिफाइड थेयर मार्टिन मीडियम भी यूज कर सकते हैं। मॉडिफाइड थेयर मार्टिन मीडियम भी हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे स्मॉल ग्रे कलर कॉलोनीज, और फिर से वो वही पॉइंट रिपीट किया गया है कि आपने हमेशा फ्रेश ग्रोथ को यूज करना है टेस्टिंग के लिए, बिकॉज नाइसेरिया कोनोरिया प्रोड्यूसेस ऑटोलिटिक एंजाइम्स व्हिच रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, सो यू हैव टू कल्चर द बैक्टीरिया ऑन अ मीडियम विद इन 6 आवर्स। और ऑक्सीडेज टेस्ट, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि आप इसे फिल्टर पेपर पे या फिर कल्चर एग्र प्लेट पे कर सकते हैं, इसमें आप ऑक्सीडेज रिएजेंट ऐड करेंगे डाइमिथाइल और टेट्रामिथाइल ऑक्सीडेज रिएजेंट, अगर तो पर्पल कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो मतलब बैक्टीरिया ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, अगर वो कलरलेस ही रहेगा जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो मीनिंग दैट बैक्टीरिया इज ऑक्सीडेज नेगेटिव। ये आपको फिल्टर पेपर भी दिखाया हुआ है, यहाँ पर ब्लू कलर आ रहा है ब्लू या पर्पल, तो ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव है और ये ऑक्सीडेज नेगेटिव है, बिकॉज दिस दिस फिल्टर पेपर इज कलरलेस। उसके अलावा हमने इसी लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जो नाइसेरिया गोनोरिया और नाइसेरिया मेनिनजाइटिस हैं, ये दोनों ग्लूकोज को फर्मेंट करेंगे, लेकिन सिर्फ नाइसेरिया मेनिनजाइटिस माल्टोज को फर्मेंट करेगा और नाइसेरिया गोनोरिया माल्टोज को फर्मेंट नहीं करेगा। उसके अलावा लैक्टोज सुक्रोज इन दोनों शुगर्स को नाइसेरिया गोनोरिया और नाइसेरिया मेनिनजाइटिस दोनों ही फर्मेंट नहीं करते, तो आप ग्लूकोज और माल्टोज की फर्मेंटेशन की बेसिस पे भी नाइसेरिया गोनोरिया और नाइसेरिया मेनिनजाइटिस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं सिस्टेन ट्रिप्टिकेस एगर। सिस्टेन ट्रिप्टिकेस एगर में हम सारी शुगर्स को प्लेस करेंगे ग्लूकोज माल्टोज लैक्टोज एंड सुक्रोज। लैक्टोज और सुक्रोज को तो कोई भी बैक्टीरिया फर्मेंट नहीं करेगा, ग्लूकोज को दोनों फर्मेंट करेंगे और माल्टोज को सिर्फ फर्मेंट करेगा नाइसेरिया मेनिनजाइटिस। तो इस डिफरेंट फर्मेंटेशन की बेस पे भी हम नाइसेरिया गोनोरिया और नाइसेरिया मेनिनजाइटिस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हम इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स यूज करते हैं जिसमें फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक यूज करते हैं और नॉन कल्चर मीडिया फॉर एग्जांपल एलाइजा न्यूक्लिक एसिड प्रोब और PCR टेस्टिंग यूज करते हैं। बेटा अभी तक हमने जितने भी टेस्ट पढ़े हैं ना, जिसमें हमारे पास चॉकलेट एगर है, थेयर मार्टिन सेलेक्टिव मीडियम है, उसके अलावा सिस्टेन ट्रिप्टिकेस एगर है, ये सिर्फ ना वैसे आप याद रखें थ्योरी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर आएंगे ना, तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में नाइसेरिया गोनोरिया हो चाहे वो मेनिनजाइटिस हो, इसके डायग्नोसिस के लिए आप यूज करते हैं एलाइजा न्यूक्लिक एसिड प्रोब और PCR टेस्टिंग। ये हमारे पास टेस्ट ऑफ द चॉइस होते हैं एक्चुअल क्लिनिक्स में। और आप इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे नाइसेरिया गोनोरिया का? बेटा नाइसेरिया गोनोरिया और नाइसेरिया मेनिनजाइटिस दोनों के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं सेफ्रैक्सोन। सेफ्रैक्सोन इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। पेंसिलिन जी हम अब यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, सिर्फ सेफ्रैक्सोन और साथ में डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज कर सकते हैं। ये एक टेबल है जो हमें दोबारा से नाइसेरिया गोनोरिया और नाइसेरिया मेनिनजाइटिस की डिजीजेस के बारे में बता रहा है कि जो नाइसेरिया मेनिनजाइटिस है वो हमारे पास कॉज करेगा मेनिनजाइटिस और मेनिनजोकॉक्सीमिया, और इसके लिए भी यूज करते हैं सेफ्रैक्सोन। बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है पेंसिलिन जी, लेकिन ये थोड़ा सा ना आउटडेटेड स्लाइड है, यहाँ पर होना चाहिए सेफ्रैक्सोन और रिफैम्पिन, क्योंकि दोनों के ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ तो सेफ्रैक्सोन यूज करते हैं और अगर मेनिनजाइटिस की बात करें तो उसमें हम रिफैम्पिन भी यूज कर सकते हैं। नाइसेरिया गोनोरिया की बात करें तो उसमें अगर लोकलाइज इन्फेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल गोनोरिया है जिसमें यूरिथराइटिस है, सर्विसाइटिस है या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेफ्रैक्सोन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन। अगर पेशेंट को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होगी है, ठीक है, तो उसमें भी आप यही चीज यूज करेंगे सेफोक्सिटीन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन। बेटा जो सेफोक्सिटीन है वो हमारे पास वो भी थर्ड जनरेशन सेफ्रोस्पोरिन है, और जो सेफ्रैक्सोन है वो भी थर्ड जनरेशन सेफ्रोस्पोरिन है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो सेफ्रैक्सोन है ये अवेलेबल होती है सिर्फ IV फॉर्म में, और सेफोक्सिटीन हमारे पास IV और ओरल फॉर्म दोनों में अवेलेबल होती है।
जो हमारे पास डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन है उसके लिए आप यूज करेंगे सेफ्रैक्सोन, और सेप्टिक आर्थराइटिस के लिए भी आप सेफ्रैक्सोन यूज करेंगे, साथ में आप जॉइंट फ्लूइड को एस्पिरेट करेंगे और साथ में पेन किलर वगैरह देंगे। और अगर नियोनेट की बात हो रही है, अगर उसमें कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास आएगा सेफ्रैक्सोन ही आएगी, यहाँ पर हमारे पास सल्फोनिट्रेट आएगा, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट या फिर एरिथ्रोमाइसिन ये यूज करते हैं, यहाँ पे सेफ्रैक्सोन यूज नहीं करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप्स यूज करेंगे या फिर एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट यूज करेंगे और ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन। यहाँ तक हमारा नाइसेरिया गोनोरिया कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नाइसेरिया अपने जो डिसकंटिन्यू करते हैं। सर इसके विरुलेंट फैक्टर्स दोबारा समझा दो। किसके नाइसेरिया गोनोरिया के? जी सर। बेटा विरुलेंट फैक्टर्स आपको मैंने बताया थे कि उसमें पिलाए होते हैं। पिलाए का फंक्शन क्या है? पिलाए का फंक्शन है अटैचमेंट। पिलाए हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को अटैचमेंट में एक दूसरे के साथ, उसके अलावा हमारे पास म्यूकोसल एपिथेलियम के साथ। उसके अलावा हमारे पास थे IgA प्रोटीएस। IgA प्रोटीएस IgA एंटीबॉडी को क्लीव करते हैं जो कि हमारे पास म्यूकोसल सरफेसेस पर प्रेजेंट होती है, और इस तरह से बैक्टीरिया खुद को इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा इसमें हमारे पास होता है लिपो ओलिगोसैकेराइड LOS। LOS इज द पार्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। इट इज एन एंडोटॉक्सिन और इसका फंक्शन होता है सेप्टिक शॉक में। और उसके बाद ही हमारे पास बेटा स्लाइड मुझे पता शेयर नहीं हो रही। ये मैंने पीछे से एक सवाल पूछा लेक्चर के पिछले हिस्से से, तो इसलिए आपको मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्लाइड भी आपको दिखा देता हूँ मैं, आई थिंक सेकंड थर्ड स्लाइड होनी है ये वाली। हाँ जी, इस स्लाइड की बात होगी, ठीक है। इसमें पिलाए होते हैं, पिलाए का फंक्शन अटैचमेंट है, अटैचमेंट टू ईच अदर एज वेल एज टू होस्ट सेल्स। उसके बाद लिपो ओलिगोसैकेराइड्स हैं। लिपो ओलिगोसैकेराइड्स का फंक्शन हमारे पास है कि वो सेप्टिक शॉक को मीडिएट करेंगे। इट्स एन एंडोटॉक्सिन एंड पार्ट ऑफ ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का फंक्शन इतना क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। और इसके अलावा IgA प्रोटीएस होते हैं। IgA प्रोटीएस हमारे पास IgA एंटीबॉडी को क्लियर करेंगे और बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? सर IgA प्रोटीएस और कैप्सूल इसका नहीं होता, इस वजह से जो है इसकी वैक्सीन नहीं है। बेटा वैक्सीन जो हम डेवलप करते हैं ना नाइसेरिया स्पीशीज की, वो सिर्फ डेवलप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सूल। अगर कैप्सूल है तो फिर उसकी कैप्सूल है तो उसका वैक्सीन नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि कैप्सूल को यूज करते हैं एज अ एंटीजन टू गेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो अगर कैप्सूल ही नहीं है तो फिर आप किस चीज को यूज करेंगे एज एंटीजन? इसलिए नाइसेरिया गोनोरिया की वैक्सीन नहीं है, नाइसेरिया मेनिंजाइटिस की वैक्सीन अवेलेबल है। चलिए आगे चलते हैं। नाइसेरिया मेनिंजाइटिस शुरू करते हैं। नाइसेरिया मेनिंजाइटिस इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द नेसोफेरिंग्स, और इसकी ट्रांसमिशन होती है थ्रू द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। और जब ये नेसोफेरिंग्स में प्रेजेंट होगा तो वहां से एपिथेलियम को क्रॉस करके ये ब्लड में एंटर होगा, और ब्लड के थ्रू ये ब्रेन तक पहुंचेगा, और ब्रेन में जाके ये मेनिंजाइटिस की इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा और कॉज करेगा मेनिंजाइटिस। नाइसेरिया मेनिंजाइटिस मोस्टली कॉज इन्फेक्शन इन यंग चिल्ड्रन और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। इट इज हाईली फेटल, और जो इसके इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन हैं जो मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो है ABCY and W135। इसमें हमारे पास इन सभी स्ट्रेन की वैक्सीन अवेलेबल है एक्सेप्ट आई थिंक टाइप बी स्ट्रेन की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बाकी सबकी वैक्सीन अवेलेबल है। इसके विरुलेंस फैक्टर्स और नाइसेरिया गोनोरिया के विरुलेंस फैक्टर्स हमारे पास बिल्कुल सेम है। दोनों में हमारे पास पिलाए प्रोटीन प्रेजेंट होती है। पिलाए प्रोटीन का फंक्शन अटैचमेंट है, अटैचमेंट टू ईच अदर एज वेल एज टू द होस्ट सेल। उसके बाद हमारे पास IgA प्रोटीएस भी हमारे पास दोनों में प्रेजेंट होते हैं। IgA प्रोटीएस का फंक्शन यह है कि दैट हेल्प्स द बैक्टीरिया अटैच टू द मेम्ब्रेन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बाय क्लीविंग सेक्रेटरी IgA।
मतलब वो आईजी एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन को क्लीव करेंगे बैक्टीरिया के साथ अटैच करेंगे एंड देन दैट एफसी पोर्शन विल हेल्प द बैक्टीरिया इन अटैचिंग टू द एपिथेलियम ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एज वेल एज प्रोटेक्टिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम इम्यून सिस्टम. उसके अलावा लिपोलिगोसैकेराइड, लिपोलिगोसैकेराइड इज एन एंडोटॉक्सिन पार्ट ऑफ द ग्राम नेगेटिव सेल वॉल एंड इट प्लेज इट्स रोल इन इंड्यूसिंग सेप्टिक शॉक. जो एक डिफरेंस है नाइसीरिया गोनोरिया और नाइसीरिया मेलिटेटस के विरुलेंस फैक्टर्स में वो है पॉलीसैकेराइड कैप्सूल. पॉलीसैकेराइड कैप्सूल नाइसीरिया मेलिटेटस में प्रेजेंट होगा, नाइसीरिया गोनोरिया में प्रेजेंट नहीं होगा. और पॉलीसैकेराइड कैप्सूल जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका बेसिकली फंक्शन बैक्टीरिया में ये होता है कि ये उसकी फेगोसाइटोसिस को इनहेबिट करते हैं और उसकी विरुलेंस को इंक्रीज करते हैं. अब नाइसीरिया मेनिनजाइटिस के पॉलीसैकेराइड कैप्सूल की हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है? बैक्टीरिया के लिए सिग्निफिकेंस तो यह है कि ये हमारे पास बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करेगा. हमारे लिए इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हम कैप्सूल की बेस पे ही इसके डिफरेंट स्ट्रेन्स को डिफाइन करते हैं. मतलब कैप्सूल के स्ट्रक्चर की बेस पे हम कहते हैं कि ये ए स्ट्रेन है, दिस इज बी स्ट्रेन, ये सी है, ये वाई है, ये W135 है. जो हमने क्लासिफिकेशन की हुई है कैप्सूल की बेस पे की हुई है और कैप्सूल को ही हम यूज़ करते हैं एज अ एंटीजन टू डेवलप द वैक्सीन और कैप्सूल को भी हम यूज़ करते हैं फॉर डायग्नोसिस. मतलब कि जब पेशेंट को मेनिनजाइटिस हो जाए तो फिर पेशेंट के CSF में या तो हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर उसके कैप्सूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो कैप्सूल की सिग्निफिकेंस ये है कि हम कैप्सूल को यूज़ करते हैं टू क्लासीफाई द बैक्टीरिया, टू डिवेलप अ वैक्सीन अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड टू डायग्नोज द इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया. बेटा सबको समझ आई है? दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बैक्टीरिया के लिए कैप्सूल की सिग्निफिकेंस क्या है. बैक्टीरिया के लिए कैप्सूल की सिग्निफिकेंस ये है कि ये फेगोसाइटोसिस को इनहेबिट करेगा. और हमारे लिए कैप्सूल की सिग्निफिकेंस क्या है कि हम कैप्सूल की बेस पे ही बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं, कैप्सूल की बेस पे ही उसकी इन्फेक्शन को डायग्नोज करते हैं और कैप्सूल की बेस पे ही उसकी वैक्सीन डिवेलप करते हैं. और ये जो चार फीचर्स हैं ये हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा पे भी अप्लाई होते हैं क्योंकि वो दोनों भी हमारे पास इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हैं. तो उनकी क्लासिफिकेशन भी हम कैप्सूल की बेस पे करते हैं, उन बैक्टीरिया को भी हम कैप्सूल की बेस पे डायग्नोज करते हैं और उन बैक्टीरिया के कैप्सूल्स के थ्रू ही हम वैक्सीन डेवलप करते हैं. नाइसीरिया मेनिनजाइटिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिनजाइटिस. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिनजाइटिस, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. और सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज कौन सी है? सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज हमारे पास नाइसीरिया मेनिनजाइटिस है. नाइसीरिया मेनिनजाइटिस कॉज अ रैपिडली प्रोग्रेसिव मेनिनजाइटिस इन स्कूल एज चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स विद अ मोर्टेलिटी रेट ऑफ 7 to 13%. जैसे कि हमने इसी लेक्चर में पीछे बात की कि जो नाइसीरिया मेनिनजाइटिस है ये मोस्टली यंग एडल्ट्स में मेनिनजाइटिस कॉज करेगा. और इसकी ट्रांसमिशन कैसे होगी? इसकी ट्रांसमिशन हमारे पास होती है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स. और इसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे? इसके साइन सिम्टम्स वही होंगे जो टिपिकल बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस के होते हैं. मतलब पेशेंट को फीवर होगा, हेडेक होगी, स्टिफ नेक या फिर न्यूक्लियर रिजिडिटी होगी. और इसके अलावा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF में हमारे पास PMNs या फिर न्यूट्रोफिल का नंबर ज़्यादा होगा जब आप लंबार पंक्चर करेंगे फॉर डायग्नोसिस. अगर पेशेंट को मेनिनजाइटिस हो और अगर आप उसे ट्रीट ना करें तो फिर पेशेंट को मेनिंजोकोक्सीमिया हो सकता है. मेनिंजोकोक्सीमिया में क्या होता है कि जो नाइसीरिया मेनिनजाइटिस का बैक्टीरिया है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड कर सकता है. जब वो पूरी बॉडी में स्प्रेड करेगा तो वो कॉज करेगा सेप्सिस और DIC. DIC होती है डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन. आप पैथोलॉजी में ये चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन बेसिकली DIC ये होती है कि इसमें ब्लड वेसल में माइक्रो क्लॉट्स बनते हैं और उन क्लॉट्स के और जब वो क्लॉट्स बन रहे होते हैं तो उसके लिए प्लेटलेट्स भी हमारे पास कंज्यूम हो जाते हैं और जो हमारे पास कोगुलेशन फैक्टर्स हैं वो भी कंज्यूम हो जाते हैं जिसकी वजह से एट द सेम टाइम पेशेंट में क्लॉटिंग भी हो रही होती है और ब्लीडिंग भी हो रही होती है. क्लॉटिंग की हो रही होती है क्योंकि DIC चल रही है, जो हमारे पास प्लेटलेट्स हैं और जो हमारे पास कोगुलेशन फैक्टर्स हैं उनको यूज़ करते हुए हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है माइक्रो क्लॉट्स. और जब वो सारे हमारे पास माइक्रो क्लॉट्स की फॉर्मेशन में कंज्यूम हो जाते हैं और फिर जब उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर ब्लीडिंग होती है. तो DIC में क्लॉटिंग और ब्लीडिंग एट द सेम टाइम हो रही होती है.
एनीवेज जब नेक्स्ट जब हमारे पास मेनिंजोकोक्सीमिया होगा तो मेनिंजोकोक्सीमिया में हमारे पास पेशेंट को दो चीज़ें डेवलप होंगी, उसकी वजह से DISE डेवलप होगी और साथ में शॉक डेवलप होगा। शॉक में हमारे पास क्या होगा, पेशेंट को हाइपोटेंशन होगी, टैकीकार्डिया होगा और साथ में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाएगा। और DISE की वजह से और माइक्रो क्लॉट्स की वजह से क्या होगा, पेशेंट को एड्रिनल हेमरेज होंगे और साथ में PTE और परपरे होंगे। इस पूरी क्लिनिकल पिक्चर को हम कहते हैं वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम और इसकी मोर्टेलिटी काफी हाई होती है। बेटा सबको समझ आई है मेनिंजोकोक्सीमिया और वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम के? हाँ चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। जब पेशेंट को मेनिंजाइटिस होगा और वो पेशेंट ट्रीटमेंट सीख नहीं करता तो नाइसेरिया मेनिंजाइटिस का बैक्टीरिया पेशेंट की पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाएगा और कॉज करेगा मेनिंजोकॉक्सीमिया। मेनिंजोकॉक्सीमिया से पेशेंट में फर्दर दो चीज़ें होंगी, DISE डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन और साथ में डेवलप होगा शॉक। शॉक में पेशेंट को हाइपोटेंशन होगी, टैकीकार्डिया होगा। DISE में पेशेंट की बॉडी में मायोक्लॉट्स और ब्लीडिंग एट द सेम टाइम हो रही होगी। क्लॉट्स की वजह से पेशेंट को डेवलप होगा एड्रिनल हैमरेज और प्लेटलेट्स की डिफिशियंसी की वजह से पेशेंट की स्किन में ब्लीडिंग होगी जिसकी वजह से डेवलप होंगे पिटिकिया एंड परपरे। तो कंप्लीट क्लिनिकल पिक्चर क्या होती है, पेशेंट को पिटिकिया होंगे, परपरे होंगे स्किन के ऊपर, एड्रिनल हैमरेज होगा, DISE होगी और साथ ही पेशेंट को शॉक होगा। दिस इज अ वेरी फेटल कंडीशन और इस पूरी क्लिनिकल पिक्चर को हम कहते हैं वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। और ये कब होगा, जब मेनिंजोकोक्सीमिया होगा। मेनिंजोकोक्सीमिया कब होगा, जब आप इनिशियल नाइसेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होने वाले मेनिंजाइटिस को ट्रीट नहीं करेंगे। डेट आप समझ आइए? यस सर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस ये चीज़ तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी ट्रांसमिशन कैसे होगी। इनकी ट्रांसमिशन होगी थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और इनकी इन्फेक्शन मोस्टली होती है उन जगहों पर जहाँ पर लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल्स हैं या फिर डॉर्मेटरीज हैं या फिर मिलिट्री बैरक्स हैं, जहाँ पर लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर इसकी इन्फेक्शन होती है। और उसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। और सिम्टम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पेशेंट को फीवर होगा, हेडेक होगा, इनइक्वल रिजिडिटी, स्टिफ नेक। और जब आप लंबार पंक्चर करेंगे तो उसमें पेशेंट के CSF में जो हमारे पास PMNs है वो इंक्रीज होंगे। ये हमारे पास मेनिंजाइटिस की क्लासिक क्लिनिकल पिक्चर होती है। और जो उसकी सीरोटाइप बी और सी है, देयर द मोस्ट कॉमन कॉज, देयर द मोस्ट कॉमन इन US। यहाँ पर आपको दो सेक्शन दिखाए हुए हैं। यहाँ पर आपको एक बेबी की बॉडी पर छोटे 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 स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास होते हैं पिटिकिया या फिर परपड़े। पिटिकिया हमारे पास नॉर्मली 1 सेंटीमीटर से कम होता है और जो परपड़ा होता है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। इन बेसिकली सिर्फ साइज का डिफरेंस है दोनों चीजें स्किन में ब्लीडिंग की मैनिफेस्टेशन। और ये हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड और उनका एड्रिनल हेमरेज दिखाया हुआ है। सो दिस पेशेंट हैज वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। अब आप इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आप पेशेंट का सबसे पहले लंबार पंक्चर करेंगे। लंबार पंक्चर से आप CSF लेंगे, CSF का सैंपल लेंगे। और जब आप CSF के सैंपल को एग्जामिन करेंगे अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप तो आपको उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंफ्रा सेलुलर ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई नजर आएंगे। इसमें आपको इतने क्लियरली नजर नहीं आ रहे, लेकिन जब आप CSF का सैंपल लेते हैं और उसमें न्यूट्रोफिल को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप तो न्यूट्रोफिल के अंदर मोस्टली हमारे पास ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा आप इनके जो कैप्सूल की वजह से जो हेलो क्रिएट होता है उसको एग्जामिन कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इन्हें कल्चर कर सकते हैं। कल्चर आप किस पे करेंगे, कल्चर आप इन्हें थेयर मार्टिन सिलेक्टिव मीडियम पे कर सकते हैं। उसके अलावा मॉडिफाइड थेयर मार्टिन मीडियम पे कल्चर कर सकते हैं। और मॉडिफाइड थेयर मार्टिन मीडियम पे आपको स्मॉल टैन स्मूथ ग्रे कलर की कॉलोनीज नजर आएंगी। नेसेरिया मेनिंजाइटिस को भी आपने कल्चर वैसे ही करना है जैसे आपने नेसेरिया कोनोरिया का कल्चर किया था। क्या आपने इसकी कल्चर प्लेट को प्लेस करना है इन अ कैंडल जार एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ 3 to 5% कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी भी इंक्यूबेशन रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल सेम है। और आप कौन कौन सा एगर यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं चॉकलेट एगर, थेयर मार्टिन सिलेक्टिव मीडियम एंड मॉडिफाइड थेयर मार्टिन मीडियम।
उसके अलावा जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा है कि नाइसीरिया गोनोरिया और नाइसीरिया मेनिनजाइटिस दोनों हमारे पास ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं, और इन दोनों को अगर आपस में डिफरेंशिएट करना है तो आप यूज करते हैं सिस्टीन ट्रिप्टिकेस एगर। सिस्टीन ट्रिप्टिकेस एगर में आप उनको डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्मेंटेशन के कौन सा बैक्टीरिया ग्लूकोज और माल्टोज दोनों को फर्मेंट कर रहा है और कौन सा बैक्टीरिया सिर्फ ग्लूकोज को फर्मेंट कर रहा है। उसके अलावा आप इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स यूज कर सकते हैं, उसमें हमारे पास आ जाएगा पीसीआर और ELISA, और इसमें आप इसमें जो ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं पेंसिलिन, और जो अब जो ऑप्शन जो मोस्टली यूज होती है वो हमारे पास रिमैम्पिंग और सेफ्रैक्सोन है। और जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि ये सारी चीजें आपने थ्योरी के लिए तो याद रखनी है, लेकिन जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाते हैं तो वहाँ पर जो टेस्ट ऑफ चॉइस होता है वो आपका होता है ELISA और पीसीआर। इन दोनों की सेंसिटिविटी भी हाई है, ELISA की सेंसिटिविटी काफी हाई होती है, पीसीआर की स्पेसिफिसिटी काफी हाई होती है, तो और ये रेडली अवेलेबल है और इतने अब एक्सपेंसिव नहीं है जितने पहले एक्सपेंसिव थे, तो टेस्ट ऑफ चॉइस हमारे पास ELISA और पीसीआर होता है। लेकिन आपने ये सारी चीजें याद रखनी है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगे। और ट्रीटमेंट जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि पेंसिलिन के रेजिस्टेंस आना शुरू हो चुकी है नाइसीरिया गोनोरिया और नाइसीरिया मेनिनजाइटिस में, इसलिए अब आप इनके लिए यूज करते हैं सेफ्रैक्सोन। और जो हमारे पास नॉन पैथोजेनिक नाइसीरिया स्पीशीज हैं व्हिच आर अ पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, उसमें हमारे पास नाइसीरिया लैक्टमिका, मिकोजा, सिका, सफलेवा, ये सारी चीजें आती हैं। आपको इनके नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि नाइसीरिया की पैथोजेनिक स्पीशीज कौन सी है। यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हो गया है, अगर कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें तो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ था, इसमें बात कर रहे हैं आफ्टर इंक्यूबेशन एंड इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, उस वाले में जो है वो बेटा इसमें यहाँ पे परसेंटेज नहीं है लिखी हुई, मैं बताता हूँ कि आपके जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, पता नहीं 21% होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मुझे एग्जैक्टली परसेंटेज याद नहीं है, बट आई थिंक इट इज अराउंड 1-2% आई थिंक, इतनी होती है ज्यादा होती है मुझे याद नहीं है बच्चों। सर 9th में पढ़ा था याद नहीं है। हाँ वो 78% होती है नाइट्रोजन, 21% होती है ऑक्सीजन, और उसके बाद थोड़ी सी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर इंक्रीज का बेसिकली पर्पज ये मकसद ये लिखा हुआ है कि आपने इन्वायरमेंट इंक्रीज रखनी है, और पीछे हम पढ़ के आए हैं कि हमने 3-5% कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कल्चर करना होता है, तो यहाँ पर भी वही रिक्वायरमेंट है 3-5% कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में आपने इसे इंक्यूबेट करना है। इंक्रीज का कि आपने जो आपका नॉर्मल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे आपने इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में इंक्यूबेशन करनी है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन बेटा? सर एक और क्वेश्चन है, अगर आप पूछेंगे कि हमें जो है वो कौन सी एंटीबायोटिक्स मतलब देनी चाहिए इनके लिए, तो उसके बीच में फिर हम आपको पेंसिलिन बताएं कि ना बताएं, क्योंकि वो तो अब अक्सर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो गए हैं उसके। सारे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट नहीं होगी, अब जो फॉर एग्जांपल सिफिलिस है दिस कॉज बाय ट्रेपनिमा पैलिडम, उसका ट्रीटमेंट ही पेंसिलिन है, उसके लिए आप और कोई ड्रग नहीं देते और उसके लिए पेंसिलिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो उसके अलावा हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हैं जो पेंसिलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेफ ओरिस भी पेंसिलिन को रिस्पॉन्ड कर सकता है अनलेस हमारे पास वी आर डीलिंग विद MRSA, MRSA हमारे पास होता है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरिस। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके आप मुझे बताएं कि नाइसीरिया का ट्रीटमेंट क्या है, तो आपने पेंसिलिन भी बतानी है और साथ में फिर आपने मुझे बताना है कि पेंसिलिन की रेजिस्टेंस अगर हो तो साथ में फिर हम ये वाले ड्रग भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल सेफ्रैक्सोन और डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, हम पेंसिलिन बताएंगे, फिर अगर रेजिस्टेंट हो सकता तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंट है, हाँ तो उसके लिए ये देंगे, ये यूज करेंगे बिल्कुल। ठीक है, जी बेटा और भी क्वेश्चन?
आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि आपका क्या होगा असेसमेंट प्लान। यस सर। सर उसमें आपको मैंने बताया था ना कि आपकी 10% क्लास पार्टिसिपेशन के होंगे और 10% की आपकी असाइनमेंट होगी, उसके अलावा एक मिड टर्म के एग्जाम्स होंगे और उसके अलावा आपके फाइनल्स होंगे। फाइनल्स में 40% रिटन है और 20% वाइवा है। सर बताया था। और आई डोंट नो, मैंने ये बताया था कि नहीं, लेकिन आपके फाइनल में और मिड टर्म में एमसीक्यूज भी हो सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो आपने तैयारी दोनों के हिसाब से करनी है। ये आपने कहना कि हमने सिर्फ एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली तैयारी की है या सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तैयारी की है, सर दोनों ये भी चीजें आ बताया सकती था। हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, क्लास एंड करते हैं। सर सर हमारा फाइनल जी ऑन सर, कोई कैंपस चांस होगा? है? बेटा एक एक करके पूछे सवाल। जी बोले। सर फाइनल ऑन कैंपस होगा? बेटा वो तो डिपेंड करता है कोविड की सिचुएशन पे। अभी लॉकडाउन तो खत्म हो रहा है और अभी कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल तो आई नहीं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। सर हमारी एक टीचर कह रही थी कि ये लास्ट वीक है हमारा, उसके बाद हम ऑन कैंपस क्लासेस लेंगे। तो सभी बच्चे ऑन कैंपस क्लासेस लेंगे या हाइब्रिड सिस्टम होगा? अभी इस बारे में मुझे कोई ईमेल नहीं आई। सर हमें भी नहीं आई, बस उन्होंने कहा है कि लास्ट वीक है, उसके बाद आप लोग की ऑन कैंपस। चलें देख लेते हैं, जब यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लियर पॉलिसी आएगी आपको मैं बता दूंगा। अगर सही किसने आपकी सही किसने कहा है कि लास्ट वीक है? ये एनसीओसी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि आपका 23rd से लॉकडाउन खत्म हो रहा है, फिर 24th से यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं। सर सर 7 जून से नहीं खुल रहा था सर? जिन रीजन जी में सिर्फ 5% से फाइव कम है वहां खुलेंगे। या 7 जून से खुल रहे हैं सब कुछ? वेल बेटा, अब मुझे इतना भी श्योर नहीं है इस बारे में कि कब खुलने हैं इंस्टीट्यूट। आप बस वेट करें यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लियर पॉलिसी का। और मेरे ख्याल में शुरू में तो पहले हाइब्रिड सिस्टम होगा कि जो लोग ऑन कैंपस आना चाहते हैं वो ऑन कैंपस आ सकते हैं, बाकी लोगों के साथ ऑनलाइन ले देंगे और आपके ऑनलाइन क्लासेस कर लेंगे, मतलब जिस तरह से हाइब्रिड सिस्टम हो रहा था पहले। लेकिन अभी फिलहाल मुझे इतना आइडिया नहीं है, आप यूनिवर्सिटी की ईमेल का वेट करें, वही क्लियर पॉलिसी आपको बताएंगे। सर लीव कर दूँ? हाँ जी लीव कर दें, मैं भी क्लास एंड के अंदर लगाऊँ और आपकी जो अटेंडेंस है वो जूम से हो जाएगी। ठीक है, ओके ओके सर, अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह। हाफिज़।